લઈને રાહુલ ગાંધી પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા છું, સીધા ત્યાં જઈશું. ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણીની મુશ્કેલીમાં વધારો. ગૌતમ અદાણી પર અમેરિકામાં કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો. છેતરપિંડી લાંચના આરોપમાં ચાર્જ ફ્રેમ કરાયો. ફેડરલ કોર્ટે છેતરપિંડી ચાર્જ ફ્રેમ કરી છે. અમેરિકા અટોર્ની ઓફિસે આરોપ લગાવ્યા. બટ દોનો એક હૈ. અમેરિકા મેં ઇન્ડાઇટમેન્ટ હુઆ હૈ અદાણીજી કો. 2000 કરોડ રૂપિયા કા સ્કેમ હૈ. હિન્દુસ્તાન મેં उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है. ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा. और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं. अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए. माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए. उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. आपके सवाल हो तो पूछिए. वन बाय वन. मंडे से संसद का शीतकालीन सत्र आरंभ हो रहा है, क्या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप व्यक्तिगत तौर पर इस विषय को उठाएंगे लोकसभा के? नहीं, देखिए, हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं. मेरी जिम्मेदारी है एज LOP इस मुद्दे को उठाना. प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं. ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं. ये एस्टेब्लिश चीज़ें हैं. हम दोहराते जाएंगे. JPC की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए. और हम जानते हैं, और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अदानी जी की अरेस्ट नहीं होगी. और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं. आप लोग, हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अदानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे. ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं, और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं. माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है, और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है. चाह रही थी कि JPC की मांग पर क्या विपक्ष के तमाम पार्टियों से भी आपकी बात हुई है, इस पर आप कोशिश करेंगे आने वाले सत्र में? JPC इज इंपॉर्टेंट, JPC होनी चाहिए, मगर अब सवाल यह है कि अदानी जी जेल के बाहर क्यों हैं? अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं. और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है, और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं. और मैं आपको बताता हूं, कुछ नहीं कर सकते. अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है. ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है, JPC है, अदानी जी के अरेस्ट है. मगर मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, ये व्यक्ति ना अरेस्ट होगा ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं. मौसमी, राहुल जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री की एक तरीके से साठगांठ है, और लगातार आपका जो स्टैंड है वो विंडिकेट कहीं ना कहीं हुआ.
क्या आपको लगता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इनको अरेस्ट होना चाहिए भारत में भी, जो राज्य सरकारें हैं और जो रिपोर्ट आई है, जो फैसला है, उसमें भी कई राज्य सरकारों की संलिप्ति है जिन्होंने ब्राइब ली है, तो क्या जो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो कर्नाटक सरकार हो, तेलंगाना ने MOU साइन किया 2024 इकोनॉमिक फोरम में, क्या प्रोएक्टिव कदम लेके आप अपनी सरकारों को संदेश देंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए और जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो। हाँ सिद्धार्थ, आपने स्टेट्स के नाम लिए, राजस्थान भी इसमें इन्वॉल्व है। कुछ ही महीने पहले बीजेपी की सरकार ने इसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान में किया, एंड विच इज द अदर स्टेट, एंड महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार ने ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट किया है, वही कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ में था। तो मेरा कहना है, जहां भी ये हुआ है, चाहे ऑपोजिशन की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए, मगर मेन बात है जो किंग पिन है, जो सेंटर है, उसको जेल में जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंटरोगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। सर आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया है अडानी ग्रुप ने, और मैं नहीं कह रहा हूं, जो इन्वेस्टिगेशन सामने सामने बात आ रही है। नहीं नहीं, आप क्लियर रहिए, मैं नहीं कह रहा हूं, यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन हुआ है, FBI ने इन्वेस्टिगेशन किया है, FBI कह रही है। मैं पहले से रिपीट करता जा रहा हूं कि अदानी जी हिंदुस्तान में रोज भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मगर ये अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा है। तो क्या सर अब जो विपक्ष की सरकारें हैं, जहां जहां पर अडानी की जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनका भी अब रिव्यू होना चाहिए कि किस चीजों से दिए गए मैंने, और मैंने, क्या बॉयकॉट करेगा विपक्ष? मैंने कल 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ कहा है, जहां भी करप्शन है वहां पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अदानी जी से शुरू होगी और जब तक अदानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है, अदानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए, और एंड में मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है, इसीलिए प्रधानमंत्री चाहें भी कुछ नहीं कर सकते। एक प्रकार से अदानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है, हिंदुस्तान अदानी जी के ग्रिप में है, इसलिए उनके हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अदानी जी। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अदानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अदानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अदानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। हाँ संजीव, राहुल जी, यू बीन रेजिंग दिस इश्यू रिलेंटलेसली ओवर पास्ट मेनी मंथ्स बट नथिंग इज हैपेंड, सो हाउ डू यू intensify this demand of yours, and also whether you know you've been demanding more scrutiny by the parliament of Indian institutions, so how do you you're missing the point. See, it is not that nothing has happened. The Prime Minister's credibility has been destroyed, right? We are working. We know that there is going to be no government institution that is going to help put Mr. Adani where he belongs. We know that because the entire government is controlled by the Prime Minister. But what we are doing, and we have done very successfully, is prove to every single Indian youngster that Mr. Adani and Mr. Modi are the same thing, that Mr. Modi is corrupt, that Mr. Adani is his bagman. This is proved, right? And now what we are going to do, as I've already mentioned, slowly, we are going to find different people in this network and expose them to you. We have already exposed to you one lady called Madhavi Boch. We've also shown you how she is connected to Mr. Adani. And we're going to show you vast number of other people who are involved in this thing. By the end of it, India will know who are the people, every single one of them, who have hijacked this country. So we are working
for the opposition. We are working, we are doing our job. Our job is to make the people of India aware what is going on. Right? That's what we are doing. And I must say that the team that is working is doing a phenomenal job. We are working in the Congress party. Other opposition parties are working. There are many, many people who are, you know, activists who are working. And I guarantee you that this structure is going to collapse. It's not going to survive. And it's a testament to the work being done that the United States has done what it's doing. This is not, don't think that nothing is happening. This is flawed. We have completely obliterated Mr. Narendra Modi's image. आपने कहा कि हम बहुत दिनों से ये अदानी जी का मुद्दा उठा रहे हैं और आपने कहा कि कुछ हो नहीं रहा है और मैं इसको हिंदी में दोहराना चाहता हूँ, ये गलत है, बहुत कुछ हो रहा है। जो नरेंद्र मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी थी उसको हमने चूर चूर कर दिया है। पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी और अदानी जी एक हैं। पूरा देश जानता है कि इंडिया में अदानी जी सेफ हैं और उसका कारण नरेंद्र मोदी है। और आप ये मत सोचिए कि हम इस बात को छोड़ देंगे। हम आस्ते 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 देश को ये पूरा का पूरा नेटवर्क दिखा देंगे, ये कौन लोग हैं, कहाँ बैठे हैं, किस किस स्ट्रक्चर में बैठे हैं। माधवी बुच हमारा पहला उदाहरण था। हमने दिखाया कि माधवी बुच ने अपना काम नहीं किया, उसका कारण था, उसका कारण भ्रष्टाचार था, उसका कारण कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। हमने दिखाया, उनको हटाया नहीं गया है। बट देश जानता है और हिंदुस्तान का हर रिटेल इन्वेस्टर जानता है कि माधवी बुच इज करप्ट एंड माधवी बुच इज प्रोटेक्टिंग मिस्टर अदानी। राहुल जी, नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। आप लगातार इस मसले को कांग्रेस पार्टी उठाते रहते, वीडियो के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से। ये जो दस्तावेज आए हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तीन सवाल खड़े किए हैं जो आपके सामने मैं रखता हूँ। एक ये कि अभी तक ये एलिगेशन है, आरोप प्रूफ नहीं हुआ है, दोषी नहीं हुए। दूसरा, आपने खुद कह दिया कि चार जो अपोजिशन स्टेट को पैसे दिए गए, बीजेपी ने यह भी कहा, उस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई करेंगे, आपने इसका जवाब तो दे दिया। और तीसरा, उन्होंने सवाल ये खड़ा किया है कि क्योंकि संसद का सत्र आने वाला है, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये क्या सवाल जो अमेरिका से जो अमेरिका ने जो बीजेपी ने कहा वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ये तीन सवाल है, एक का जवाब आपने दे दिया है कि कोई भी राज्य हो उस पर कार्रवाई हो, बाकी दो के जवाब। तो आप बीजेपी के सवाल यहां क्यों रख रहे हो? नहीं, ये सवाल हमारा है। नहीं, आप बीजेपी के हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हूं। तो फिर बीजेपी के सवाल हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों रख रहे हो? राहुल जी, मैं आपके सामने सवाल कर रहा हूं, एक जर्नलिस्ट का सवाल है। और आप नहीं, अभी आपने बोला बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के समक्ष हम लोग ऐसे ही रखते हैं। आपने अभी दो मिनट पहले कहा कि ये बीजेपी के सवाल है, आपने ही स्वयं, यस बीजेपी, आपने स्वयं बोला बीजेपी ने इसको रखा है सामने इस मसले पे, मैंने ये कहा है। नहीं नहीं, आपने बोला ये बीजेपी के सवाल है और मैं पूछ रहा हूं। आई नो, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट। ही सेड दैट देयर बीजेपी क्वेश्चंस। इट्स इंटरेस्टिंग टू मी that the media is asking BJP's questions to the opposition. It's interesting. But anyway, I will leave that. जहां तक बाकी स्टेट्स की इशू है, मैंने कह दिया है कि जहां भी करप्शन हुआ है वहां लोगों को पकड़िए, अंदर कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ट्रंप का आना जाना वो अलग बात है। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन पुरानी इन्वेस्टिगेशन है और ये सिर्फ एक, ये एक एस्पेक्ट है अदानी जी का। अदानी जी सिर्फ पावर प्रोजेक्ट्स में नहीं है, अदानी जी ने मोदी जी की मदद से बांग्लादेश में काम किया है, वहाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, श्रीलंका में वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, डिफेंस, हाँ, केन्या, केन्या में। तो ये पैटर्न है, जहाँ प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, हिंदुस्तान की सरकार की क्रेडिबिलिटी को लाइन पर डालते हैं एंड देन अदानी जी को बिजनेस दिलवाते हैं। तो देखिए, सच्चाई तो आएगी आएगी और हम पीछे छोड़ने वाले हैं नहीं, ठीक है? तो आई एम कॉन्फिडेंट वी विल वर्क स्लोली 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 एंड एंड में वी विल डिसमेंटल दिस स्ट्रक्चर। विक्रांत, मेरा सवाल ये कि
आप लोग कहते जैसे अच्छा इन्वेस्टिगेशन के बारे में व्हाट हैज मिस्टर अदानी सेड हैज ही सेड एनीथिंग So he hasn't said anything, no? Nothing. So he doesn't feel it necessary. He doesn't feel it necessary to say, to respond to this, that an FBI investigation has shown that he has done 2,000 crores of corruption. He has, let me speak. He has done 2,000 crores of corruption. He has done criminal acts in the United States, criminal acts in India, and he doesn't feel the need to reply. And it's interesting, the media doesn't feel the need to pressure him to reply. Why? सर जिस तरीके से आप कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता आप भी तमाम आरोप एफबीआई ने तो जांच में ऐसा कहा है आप लोग ये भी कहते रहे हैं कि अडानी जो है वो चुनावों को भी प्रभावित करते हैं अभी झारखंड और महाराष्ट्र में स्पेशली चुनाव हुए हैं वहां पर क्या आपको लगता है कि अडानी ने उनको प्रभावित करने की कोशिश की और अगर की तो वहां पर आपको क्या उम्मीदें हैं क्या आपको लगता है कि उसका नुकसान हो जाएगा ये पॉलिटिकल फाइनेंशियल ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क है इसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं इसमें पॉलिटिकल लोग हैं इसमें फाइनेंशियल